يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. और ना गमगीन करे ऐ मेरे हबीब आपको वो लोग जो जल्दी कर रहे हैं कुफ्र में, बेशक ये लोग हरगिज नहीं नुकसान कर सकेंगे अल्लाह के दीन का कुछ भी। इरादा किया है अल्लाह ने ये के नहीं बनाएगा इनके लिए कोई हिस्सा भी आखरत में, और इनके लिए अजाब होगा बहुत बड़ा। कल के दर्स में हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर ग़ज़वे हमराउल असद में होने वाले चार इनामात का तज़किरा था। पहला इनाम के फ़न क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की नेमत के साथ वो वापस लौटे यानी फतह के साथ। नंबर दो वफ़ज़लिन, तिजारत करके वापस लौटे। नंबर तीन लम यमसस्हुम सू, कोई तकलीफ़ और नागवारी उनको नहीं पहुंची। नंबर चार वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, अल्लाह की रज़ा जो उनकी ज़िंदगी का असल मकसद था उसी की पैरवी करते हुए वापस लौटे। चार इनामात का तज़किरा था। और पांचवी बात ये थी कि जिस आदमी को भी तुम देखो कि ईमान वालों के दिलों में कुफार का डर, कुफार का खौफ बिठा रहा है, इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, समझ लो कि वो इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में क्या है, शैतान है। समझे कि जनाब वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों की अलामत क्या बयान की है कि ईमान वालों को जब लोग काफिरों की ताकत से डराने की कोशिश करते हैं तो ईमान वाले डरते हैं या नहीं डरते? नहीं डरते। ईमान ये देख लो, ईमान और जो मुनाफ़क़त है उसके दरमियान कितना बड़ा वाज़ह फ़र्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान कर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वाले सिर्फ मुझ ही से डरते हैं, और जो जिनके दिलों में ईमान नहीं होता, निफाक की बीमारी होती है, जब कभी कोई उनको काफरों की ताकत दिखाता है, काफरों का साजो सामान दिखाता है, तो वो फौरन उनसे क्या है भाई, डर जाते हैं। तो फरमाया कि मुआशरे में अगर देखना चाहो कि रहमान वाले कौन हैं और शैतान वाले कौन हैं, तो उसकी एक निशानी जिक्र कर दी है कि जो ईमान वालों को काफरों की ताकत से डराए, मरऊब करे, ताकि ईमान वाले काफरों के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार ना हो, तो समझ लो कि वही कौन है, शैतान है। समझ गए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, फरमाया ये जो आया है ना और लोगों को कह रहा है कि कद जमाउ लकुम फख्शौहुम, लोग तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं उनसे डर जाओ, फरमाया ये इंसान नहीं, इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, ये कौन है, शैतान है। युहव्विफु औलियाहु, जो शैतान अपने दोस्तों से, अपने हम मजहब लोगों से, जनाब वाला डरा रहा है लोगों को अपने हम मजहब लोगों से। समझे कि जनाब, तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाए और हमारे दिलों से काफरों की ताकत का रोब ख़त्म करके अपनी ज़ात की ताकत का जो रोब और दबदबा है अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बिठा दे। समझेगी?
अब जरा देखिए कि ये जो अब गज़वे उहद के मुतालिक जो हैं बहुत सारी हिदायात गुजर चुकी हैं, इस गज़वे के अंदर ईमान वालों के मुख्तलिफ हालात जिक्र किए गए हैं और ये बात समझाई गई है कि ईमान वाले किस तरह ऊपर उठ सकते हैं, फिर किस तरह वो नीचे चले जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर आने का तरीका क्या है। तो अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है और एक पेशन गोई जो है कुरान मजीद के जरिए से की जा रही है। देखिए पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन का बड़ा तफसीली तज़किरा किया है और फिर सहाबा किराम के ईमान की हिफाजत की है क्योंकि उन्होंने लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस करने की कोशिश की कि कहाँ गई अल्लाह की मदद जिसके तुम वादे करते थे, गज़वे उहद में तो तुम्हारा तुम्हें बड़ा गम पहुँच गया। फिर अल्लाह के हबीब की ज़ात के बारे में उनको परेशान करने की कोशिश की कि खियानत की तुहमत लगा कर, समझेगी ना। तो अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत खास अपने हबीब को जो है वो तसलियां दे रहे हैं और इस आयत के अंदर फिर ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात मौजूद है और बहुत बड़ी तसल्ली है अल्लाह के हबीब के ज़रिए से और बहुत बड़ी रहनुमाई है ईमान वालों के लिए। इसको मैं पहले एक मिसाल के ज़रिए से अर्ज करता हूँ जिससे फिर बात आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। देखिए मैं और आप यहाँ पर कुछ अरसे से रह रहे हैं, दीन की बात होती है और दीन के बारे में मुख्तलिफ किस्म के मशवरे होते हैं। तो बहरहाल अगर हमारे साथ कोई आदमी मुस्तकिल नमाज पढ़ता हो, हमारे साथ उसका उठना हो बैठना हो और वो बड़े मसले बयान करता हो, बड़ी बातें बयान करता हो, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा मुश्किल वक़्त आ जाए तो वही आदमी बाहर जाकर अपने लोगों को भी ख़राब करे और दूसरे लोगों को भी तबलीग करे कि छोड़ो यार ये ऐसे बातें ही करते हैं जनाबे वाला, इनके साथ कोई अल्लाह की मदद नहीं है, इनके साथ कोई अल्लाह की नुसरत नहीं है जनाबे वाला। तो अब आप ये बताएं क्या इस बात की वजह से मैं और आप खुश होंगे या हमारा दिल गमगीन होगा? हमारा दिल गमगीन होगा। किस वजह से दिल गमगीन होगा? इस वजह से गमगीन होगा कि देखें यार ये हमारे साथ बैठते हैं, बड़े मसाइल बयान करते हैं, बड़ी बातें करते थे हमारे साथ ही बैठकर, आज थोड़ा सा मसला बना है तो देखो अपने ही दोस्तों को, अपने नमाजी साथियों को और इसी तरह बाहर के लोगों को जनाबे वाला अपने अकीदे के बारे में, अपने मसलक के बारे में, अल्लाह की मदद और नुसरत के बारे में, अल्लाह के हबीब की ज़ात के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं तो हमारे जहन में ये बात जाएगी और हम इस बात का, अगर तो हमें इस काम का कोई शौक है तो हमें गम लगेगा इस बात के ऊपर कि देखो इसकी वजह से दीन का बड़ा नुकसान होगा, इसकी वजह से दीन का क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गज़वे उहद के बाद जब मुनाफिकीन ने जुबानें खोली, मुनाफिकीन ने क्या है जुबानें खोली, समझा कि सहाबा किराम को अल्लाह की रहमत से मायूस करने के लिए, सहाबा किराम को अल्लाह के हबीब की ज़ात के बारे में बदगुमान करने के लिए, अब उनकी वो बातें सिर्फ सहाबा किराम की महाफिल और मजालिस तक तो महदूद नहीं थी ना, वो तो बाहर निकल कर भी लोगों को ये बातें बताया करते थे कि ये इनके हालात हैं, देख लो जनाबे वाला, ये इनका जनाबे वाला मामलात हैं, ज़रा इनको देख लीजिए जनाबे वाला। तो वो चूँकि सहाबा किराम की महाफिल और मजालिस में आकर बैठते थे तो फिर बाहर जाकर वो बातें करते थे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गम लगा, बड़ा आपको जनाबे वाला दुख पहुंचा कि इसकी वजह से ये लोग अल्लाह के दीन का क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अपने लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर के लोगों के लिए इस तरफ आने का रास्ता क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब कोई काफिर बन जाए, कोई काफिर कुफ्र इख्तियार कर ले, कोई आपके साथ मिलकर फिर फिस्क इख्तियार कर ले, हम आपको तसल्ली दे रहे हैं कि ये लोग कुछ भी कर लें अल्लाह के दीन का कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह आपको इस सिलसिले में गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब देखो ना, जब वो बंदा आया जिसने कहा कि लोग तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं उनसे डर जाओ, वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो फलां कर देंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारे पास पहले कुछ नहीं है, तुम गमगीन हो, तो ईमान वाले तो डट गए, ईमान वाले तो हस्बुनल्लाह के ऊपर आ गए, लेकिन जो मुनाफिकीन पहले डरे हुए थे उनमें से बहुत सारे मुनाफिकीन ने
जनाबे वाला कुफ्र की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो कुफ्र की बातों के अंदर आ गए और उन्होंने जनाबे वाला अलल ऐलान कुफर को इख्तियार कर लिया। तो इसकी वजह से अल्लाह के हबीब बहुत गमगीर हो गए और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि ये अजीब लोग हैं कि एक तरफ हमारे होने का दावा करते थे, दूसरी तरफ काफरों की बातों में आकर उनसे डरे बैठे हैं और फिर कुफर की तरफ जल्दी कर रहे हैं। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया, अब ज़रा तर्जमा सुनिए ताकि बात समझ में आए। अल्लाह फरमाते हैं वला यहज़ुनकल्लज़ीन कफरू, ऐ मेरे वला यहज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फिल कुफ्र, ऐ मेरे हबीब आपको गम में न मुबतला करें, आपको गम में न मुबतला करें, आप किसी किस्म के हुज़्न के अंदर मत मुबतला हो। किन की वजह से? अल्लज़ीन युसारिऊन, वो लोग जो जल्दी कर रहे हैं फिल कुफ्र, किसके अंदर? कुफ्र के अंदर, समझ आएगी। यानी कुफ्र की बात आती है उसको जल्दी पिकअप करते हैं, उसको जल्दी अपने अंदर लेते हैं और उसके ऊपर जनाबे वाला दौड़ते हैं। और जिन्होंने उनके रूब और दबदबे की बातें सुनकर अपने जो पहले एक मुनाफ़क़त का लिबादा उड़ा हुआ था उसको छोड़कर एलानिया कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, फरमाया उनके बारे में आपको उनका ये कुफ्र गम के अंदर मुबतला ना करे। क्यों? इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैया, ये लोग कुछ भी कर जाएं, जितनी बातें कर लें लोगों को अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद करने के लिए, लोगों को जनाबे वाला आपकी जात के बारे में परेशान करने के हवाले से और खुद कुफर की तरफ दौड़ रहे हैं, फरमाया अल्लाह के दीन का ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। समझ आएगी ना? आप इस बारे में मुतमईन हो जाएं, परेशान हो जाएं, किसी किस्म का अल्लाह के दीन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, दीन और इस्लाम का और मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा। समझ आएगी? अब जरा दोबारा वापस आइए इसी के अंदर, देखिए इस आयत के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया कि आप गम ना करें, गम दो किस्म का है इन लोगों के बारे में। एक तो ये है कि देखो कि ये लोग चलो जहरी तौर पर कुछ ना कुछ दम भरते थे और बातें करते थे, अब ये लोग अलल ऐलान कुफर की तरफ जा रहे हैं, तो उनका कुफर की तरफ जाना इस पे गम करना तो कारे सवाब है, इसके लिए तो परेशान होना ये तो कारे सवाब है, ये तो बायस अजर है, इसके बारे में फिक्रमंद होना, इसके बारे में गमगीर होना कि यार ये लोग कुफर इख्तियार कर रहे हैं, इनकी दुनिया का नुकसान है, आखरत का नुकसान है, ये गम करना तो कारे सवाब है, मगर उनके कुफर की वजह से कोई दीन का नुकसान हो जाए, ये गम पैदा हो जाए, इस गम की कोई इजाजत नहीं। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक ये है कि इसकी इस बात का गम करना कि ये लोग कुफर इख्तियार कर रहे हैं, ये लोग ईमान और इस्लाम के रास्ते से हट रहे हैं, ये इनके लिए दुनियावी और उखरवी नुकसान का जरिया है, इस बात का गम करना ये तो अंबिया की सुन्नत है, समझेगी, ये तो बायस से अजर व सवाब है। लेकिन ये बात कि ये लोग हट रहे हैं तो दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा, दीन इस्लाम का नुकसान हो जाएगा, इनकी वजह से इस बात का गम करना कि दीन का नुकसान हो जाएगा, फरमाया मेरे हबीब इस गम करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे? इस आयत मुबारक के अंदर इस गम की नफी की जा रही है। समझे कि जनाब इनकी वजह से दीन का क्या नुकसान होगा? मुफस्सरीन ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालो तुम्हें इनकी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो पहले भी उहद में तुमसे वापस आ गए थे, ये तो पहले भी तुमसे क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, 300 साथियों का लश्कर लेकर वापस आ गए थे। याद रखना तुम्हें जब भी नुकसान पहुंचेगा, तुम्हें जब भी कोई तकलीफ पहुंचेगी, उसमें इनका कोई हाथ नहीं होगा, कोई कमजोरी तुम्हारी अपनी होगी, कोई कमजोरी क्या है तुम्हारी अपनी होगी। समझेगी? जिस तरह पीछे हजरात सहाबाए किराम जो है उन वो खुद बोल उठे ना कि हम हक वाले हैं, हम जनाबे वाला हक के लिए निकले थे, अल्लाह के हबीब हमारे साथ थे, फिर हमें इतना गम पहुंच गया। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल, मेरे हबीब कह दीजिए, हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, इसमें कुछ तुम्हारा अपना भी हाथ है कि तुम्हें कहा गया था एहतियाती तदबीर के तौर पर कि पहाड़ी दर्रे को तुमने छोड़ना नहीं। हाँ, समझ आएगी। बहरहाल काफरों के कुफर जो है ये दीन और इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकता नहीं है, कोई खा पहले किसी सफ के अंदर शामिल हो फिर उस सफ से निकल कर काफरों के अंदर एलानिया तौर पर शामिल हो जाए, पहले मुनाफ़कत करता हो, पहले इधर की बातें उधर कर दी और फिर उधर की बातें इधर करने की कोशिश की कि उनकी एक बड़ी जमात है, उनके आपस में बड़े मशवरे हैं, उनकी बड़ी ताकत है, उनका बड़ा रोब है, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस किस्म की बातें
बातें करके डराने की कोशिश करते हैं लोग, समझेगी। लेकिन फरमाया कि जब वो अल ऐलान भी कुफर की तरफ चले जाएं तो ये बात अपने जहन से निकाल दो, इसका गम ना करो कि वो दीन इस्लाम की इमारत को गिरा देंगे या उसका कोई नुकसान कर देंगे। लन यज़ुरुल्लाह शैया, हरगिज अल्लाह के दीन का ये लोग नुकसान नहीं करेंगे। और याद रखो, अल्लाह ने पीछे ये बात सहाबा किराम को बता दी है कि अंतुमुल अअलूना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुमने ईमान के तकाजों को क्या किया, पूरा किया। अब आप देखें हजरात सहाबा किराम के दौर में, फिर कुफर के खिलाफ उहद के बाद जितनी जंगें भी हुई, किसी मैदान में भी काफरों को फिर फतह हुई है? हर मैदान में शिकस्त हुई है, क्योंकि सहाबा किराम को एक सबक बतला दिया गया। समझेंगे, आज जो मुसलमान दुनिया के अंदर काफरों के हाथों जलील हैं, तो ये कोई काफरों का कुफर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की अपनी बुजदिली है। ये सिर्फ मुसलमानों की क्या है? अपनी बुजदिली है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो हुब्बे दुनिया आ गई है, ये जो मुसलमानों के अंदर दुनिया की जिंदगी का हिर्स और लालच आ गया है, जिसने इनको जिहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, और जिसने जनाबे वाला इनके दिलों के अंदर वहन जैसी बीमारी पैदा कर दी है, और ये जरा सी कोई बात देखते हैं तो उनके हालात से और उनकी ताकतों से मरऊब हो जाते हैं। ये सारा उसका नतीजा है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है मुसलमानों का, तो इसके अंदर उनकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा, हकीकत में मुसलमानों की अपनी वजह से दीन का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। समझ गए? अब आप देखें, जो मुसलमान दीन और इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा जनाबे वाला, मगर इस्लाम का दावेदार भी है, तो लोग उसको देखकर क्या कहते हैं जनाबे वाला, कि ये इसको देख लो, इसकी बातें देखो, इसका किरदार देखो जनाबे वाला, तो फिर मुसलमानों की अपनी वजह से हो रहा है। काफरों का कुफर इस्लाम के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, कि उसकी वजह से कोई इस्लाम की जमीयत कम हो जाए, उसकी वजह से कोई इस्लाम की तादाद कम हो जाए, इस्लाम की शान और शौकत में कमी आ जाए, फरमाया ये बात हो सकती नहीं है। समझेगी? आयत के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाते हैं कि इस्लाम का दीन का तो कोई नुकसान नहीं होगा, इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस बात की वजह से इनका क्या है? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखो, जब ये लोग कुफर की तरफ दौड़ रहे हैं, कुफर की बात आती है उसको जल्दी लेते हैं, कुफर के हालात से जल्दी मुतासर होते हैं, और उनके रोब और दबदबे के नीचे दबे हुए हैं, फरमाया कुफर की तरफ जब ये लोग दौड़ रहे हैं, तो क्या ख्याल है आखिरत में इनका फिर कोई हिस्सा बनेगा? आखरत में तो इनका हिस्सा ही कोई नहीं है। समझ आएगी? फरमाया जिन लोगों का आखरत में हिस्सा ही कोई ना हो, आप ये बताएं कि वो किसी और का नुकसान कर रहे हैं या अपना नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। समझ आएगी? तो फरमाया कि युरीदुल्लाह, समझ आएगी ना, फरमाया कि युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का इरादा कर लिया है कि ये लोग जब कुफर की तरफ दौड़ रहे हैं, तो अल्लाह ने इस बात का इनके इस अमल के बाद फैसला किया है कि अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, कि इनका अल्लाह ने आखरत में कोई हिस्सा बनाया ही नहीं है, कि आखरत में इनको कोई नेमत मिले, कोई अजर व सवाब मिले, कोई इनको इनाम मिले, किसी किस्म के इनाम में अजर व सवाब में अल्लाह ने इनका कोई हिस्सा बनाया ही नहीं है। हज़रत शाह साहब का छोटा सा जुमला देखिए, शाह साहब फरमाते हैं कि जब आखरत में इनका हिस्सा ही कोई नहीं है, ये नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गैर मुमकिन बात पर गम काहे का, गैर मुमकिन बात पर गम काहे का, जब ये बात मुमकिन ही नहीं कि ये लोग ईमान और इस्लाम की तरफ आए और ईमान और इस्लाम का फायदा हो, बल्कि ये तो अपनी आखरत को तबाह कर रहे हैं और इनकी तबाही अब यकीनी हो चुकी है, तो यकीनी बात के ऊपर आपको गम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग दीन और इस्लाम का नुकसान कुछ नहीं करेंगे, ये जो नुकसान कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो लोग जनाबे वाला तौहीद की मुखालफत कर रहे हैं, प्यारे हबीब की सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं, जमात सहाबा की मुखालफत कर रहे हैं, क्या इससे कोई दीन और इस्लाम का नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। वो किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं जनाबे वाला। अल्लाह की तौहीद की मुखालफत किसकी मुखालफत है, तौहीद वालों की या कुरान की? कुरान की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत जो है, वो सुन्नत पे चलने वालों की मुखालफत है या कुरान की मुखालफत है? कुरान की मुखालफत है। सहाबा से जो बुग्ज़ है, ये सहाबा से मोहब्बत करने वालों के की मुखालफत में हो रहा है या कुरान की मुखालफत? हकीकत में
लोगों को, लोगों से तो कोई मसला नहीं होता, जब वो उन्हीं में से कुछ लोग कुरान का दम भरते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो फिर लोगों को उनसे क्या होती है भाई, मुखालफत शुरू हो जाती है। आप देखें सहाबाए किराम को देख लीजिए, अल्लाह के हबीब को देख लीजिए, पहले भी तो अल्लाह के हबीब 40 साल तक वहां पर रहे, किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई नहीं। 40 साल के बाद जो तकलीफों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो किस वजह से था? कुरान की वजह से। वो किसकी वजह से था? ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से था। समझ आ गई जनाब? तो बहरहाल ईमान वालों को ग़ज़वा उहद ये दर्स दे रहा है कि काफरों की जितनी भी साजिशें हैं, हाँ उनके एजेंट साजिशें कर रहे हों तुम्हारी सफ़ों के अंदर घुसकर, या उनके पीछे कायदीन अलल एलान मुखालफत कर रहे हों, दीन इस्लाम का वो कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। तुम अल्लाह के दीन पर जमे रहो और उसी की ज़ात का खौफ और डर अपने दिल के अंदर रखो, इनका कोई खौफ और डर तुम्हारे दिल में नहीं आना चाहिए, और अल्लाह के नबी की इत्तबा पर तुम जम जाओ, इनकी कोई जनाबे वाला बात तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये बात पीछे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को जब ग़ज़वा उहद का तज़किरा शुरू हो रहा था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात इरशाद फरमाई थी कि ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। समझ आएगी जनाबे वाला? लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम्हें जो हिदायत बयान की जा रही हैं उन हिदायत के ऊपर तुमने क्या रहना है? कार बंद रहना है। समझ आएगी? ये देख लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम जम कर रहो, अगर तुम क्या है जम कर रही, जो सबर है ना सबर, इसके बहुत सारे दरवाजे हैं, इसकी बहुत सारे स्टेज हैं, तब जाकर अल्लाह की तरफ से साबिरीन का दर्जा मिलता है, जिसमें से पहला दर्जा है, पहला दरवाजा है खौफ। पहला दरवाजा क्या है? अल्लाह ने कुरान मजीद में ईमान वालों को क्या फरमाया कि वाला नबलुवन्नकुम, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेना है, तुम्हारी आजमाइश लेनी है, कितनी चीजों के साथ? वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल, पहले नंबर पे तुम्हारे ऊपर खौफ आएगा, कुफार खुद खौफ तुम पे मुसल्लत करेंगे, कुफार के एजेंट तुम्हें खौफ के अंदर मुसल्लत करेंगे, तुम्हें खौफ के अंदर मुब्तला करेंगे। फरमाया पहला दरवाजा है किसका? खौफ का। फरमाया खौफ से गुजरोगे फिर भूख भी आएगी। वनक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, पांचवें नंबर के बाद फरमाया वबशिरिस साबिरीन, जो पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए उनके लिए सबर का कोई दर्जा नहीं है। असल तो इम्तिहान इसी चीज का होता है कि आदमी के ऊपर खौफ आए, परेशानियां आए, मगर आदमी किसी भी हालात में दीन इस्लाम के दामन को छोड़े नहीं। समझ, ये खौफ जो है ये तो अल्लाह ने पहले बता दिया कि मेरे इम्तिहान के मराहिल में से पहला मरहला किस चीज का है? खौफ का है। वो खौफ आएगा जना, मारे गए हम, मर जाएंगे जनाबे वाला, ये बात करेंगे तो कश है साढ़े पल्ले नाराजी, ओ हो। समझ ये इस किस्म की जो बातें होती है ना जनाबे वाला, ओए बिरादरी कश है पल्ले नाराजी, तुरंत दे न रसाए ना आमन दे न जा, ओ हो बिल्कुल। समझ, ये जो खौफ हमारे ऊपर मुसल्लत होता है ना कि, और खौफ किस चीज़ का? हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, हमारी दुनिया का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं इम्तिहान का पहला दरवाजा ही क्या है? खौफ मैंने रखा है। समझेगी? तो अल्लाह ने पीछे फरमाया कि ये जो मुनाफिकीन है ना, इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचती है तो वो गम में मुब्तला हो जाए, की हो गया। समझे, ये तो ऊपर जा रहे हैं। वा इन तुसिबकुम सय्यतुन, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए, यफरहु, बड़े खुश होते हैं। समझेगी? कहते हैं हुन चसाई ना जनाबे वाला। वा इन तस्बिरु, आगे अल्लाह कह रहे हैं इन तस्बिरु, अगर तुम जम कर रहो, अगर तुम जम कर रहो, वत्तकू, और मेरे नबी की नाफरमानी से परहेज करके रहो, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, इनकी तदबीरें तुम्हारा कुछ नुकसान कर सकती नहीं है। अगर शाह साहब का जुमला शायद आपको याद ना हो, जवाब शुभो, यानी ये तो मारे आस्तीन हुए हमें नुकसान देंगे, हमें नुकसान, जब अल्लाह ने उनकी वजाहत बयान की ना कि तुम्हारे पास बैठते हैं तो कहते हैं आमन्ना, जब अलहदा होते हैं तो गुस्से की वजह से अपनी उंगलियों को काट खाते हैं, तो साहबा परेशान हुए कि ये तो हमें नुकसान देंगे, तो फरमाया कि ये दो शर्तें तुम पूरी कर दो, एक सब्र वाली, दूसरी नाफरमानी से परहेज वाली, इनकी कोई तदबीर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। देखिए जी, ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में जिक्र करके अपने हबीब को तसल्ली दी है। फरमाया आप दीन इस्लाम के बारे में परेशान ना हो कि कोई दीन की इमारत गिर जाएगी इनके जाने से, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। समझेगी जनाब? फरमाया वला यहज़ुनकल्लज़ीना, हरगिज ना गम में मुब्तला हो आप उन लोगों की वजह से जो कि दौड़ रहे हैं कुफर की तरफ,
इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैया, बेशक ये लोग हरगिज नहीं नुकसान कर सकेंगे अल्लाह का यानी अल्लाह के दीन का, शैयन कुछ भी। अगर मैं और आप सारे तौहीद को छोड़ दें तो अल्लाह के दीन का नुकसान हो जाएगा, ओए तौहीद की इमारत गिर जाएगी, हमने कोई तौहीद की इमारत को खड़ा कर रखा, समझ आएगी ना। अल्लाह अकबर, मुसलमान इस्लाम की हिफाजत नहीं करता, इस्लाम मुसलमान की हिफाजत करता है, समझ आएगी जनाब वाला। अगर मुसलमान इस्लाम के तकाजों को पूरा करता है तो फिर इस्लाम की वजह से उसकी हिफाजत होती है, ना कि मुसलमान की वजह से इस्लाम की क्या होती है, इस्लाम की वजह से हमारी हिफाजत होती है, समझ आएगी। फरमाया इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैया, अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेंगे यानी अल्लाह के दीन का। युरीदुल्लाह, जब इन्होंने इस बात का इरादा कर लिया है कि हमने कुफर में दौड़ना है, तो मैं अल्लाह ने फिर इरादा कर लिया है कि अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, कि इनका आखिरत में मैंने कोई हिस्सा बनाना नहीं है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए अज़ाब होगा बहुत। अल्लाहुम्मा सलाम अलैका, सलाम तबारक या ज़ल जलाल।